गणतंत्र पुनप्रतिष्ठार चलमान आंदोलन के एगिए नवार लक्ष्य 27 जुलाई बृहस्पतिवार परिवर्ते आगामी 28 जुलाई शुक्रवार साप्ताहिक छुटिर दिन बेला 2টায় नया पल्टने पूर्व घोषित महासमावेश अनुष्ठान घोषणा दिच्छे। आमरा आशा करी देशे गणतंत्र प्रतिष्ठार लक्ष्य चलमान गणतान्त्रिक और शांतिपूर्ण आंदोलन अंश हिसाब से आयोजित महासमावेश अनुष्ठाने सरकार किंबा सरकारी कोनो प्रतिष्ठान बाधा सृष्टि करबे ना। এই আন্দোলনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সহ দেশের সকল গণতন্ত্রকামী রাজনৈতিক দল আগামীকাল 27 জুলাই রাজধানী ঢাকায় শান্তিপূর্ণ মহাসমাবেশ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছে। আপনারা জানেন যে আমাদের যে যুগপৎ आंदोलन चलते से युगप आंदोलन सकल दल राजनीतिक दलगुल मत तर अवस्थान आंदोलन कर्मसूची घोषणा कर 27 तारीखे बांग्लादेश जातीयतावादी दल पक्ष आगामीकाल बृहस्पतिवार सर्वार्थी उद्यान अथवा नया पल्टने महासमावेश अनुष्ठान कथा गत 23 जुलाई ढाका महानगर पुलिस कर्तृपक्ष के अवहित कर महानगर पुलिस कर्तृपक्ष सावर्दी उद्याने उच्च अदालत आपत्ति कर्मदिवस नया पल्टने महासमावेश अनुष्ठान जनदुर्भोग अजुहते समावेश अनुष्ठान आपत्ति जदिव इतिपूर्वे सावर्दी उद्याने कर्मदिवस नया पल्टने असंख्य समावेश महासमावेश अनुष्ठान दृष्टान्त रहे अनेक भावे चेष्टा करेछी व्यक्तिगत भावे कथा बोलेछी तारपरेओ तारा तादेर अवस्थाने अनर्थेकेछे एवं आमादेर गणतान्त्रिक सांविधानिक जो अधिकार समावेश करार अधिकार सेई समावेश अधिकारे तारा आपत्ति जानाच्छे। प्रिय सांबादिक भाई ओ बोनेरा बीएनपी बराबरी शांतिपूर्ण गणतान्त्रिक आंदोलने विश्वासी विधाय सरकार और सरकार दलियों विभिन्न बाहिनी नाना उस्कानी एमनकि गत एक बछरे 20 जन नेताकर्मी हत्या और असंख्य नेताकर्मी निर्यातित हर परेओ सीमाहीन धैर्य और सहिष्णुतार परिचय दिएछे। एमनकि महासमावेश के केंद्र कर ढाका सह सारा देशे असंख्य नेताकर्मी के ग्रेफ्तार करा हयेछे एवं होच्छे। ढाकार विभिन्न होटेले और सारा देशे नेताकर्मी बासा बाड़ी पुलिस तल्लाशी चालान हो गणतान्त्रिक मूल्यबोधे दृढ़ विश्वासी बीएनपी शांतिपूर्ण भाव गणतंत्र पुनप्रतिष्ठार चलमान आंदोलन के एगिए नवार लक्ष्य 27 जुलाई बृहस्पतिवार परिवर्ते आगामी 28 जुलाई शुक्रवार साप्ताहिक छुटिर दिन बेला 2টায় नया पल्टने पूर्व घोषित महासमावेश अनुष्ठान घोषणा दिच्छे। আমরা আশা করি দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চলমান গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের অংশ হিসেবে আয়োজিত এই মহাসমাবেশ অনুষ্ঠানে সরকার কিংবা সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান বাধা সৃষ্টি করবে না। আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে আয়োজিত যে কোনো গণতান্ত্রিক কর্মসূচি বাধাগ্রস্ত করার যে কোনো অপচেষ্টা দেশবাসী প্রকৃতপক্ষে সুষ্ঠু নির্বাচন বাধা সৃষ্টি হিসাবে দেখবে এবং এমন অপচেষ্টায় নিজেদের গণতন্ত্র ও সুষ্ঠু নির্বাচনে বাধা সৃষ্টিকারী হিসাবে গণ্য করা হবে। আমরা সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষ করে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে ঢাকা মহানগরের এই আগামী শুক্রবার 28 জুলাইয়ের মহাসমাবেশ উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।